अब बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में स्पर्म डोनर तलाशे जा रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से स्पर्म डोनेट करने को कहा जा रहा है। इसके लिए चीन के अलग अलग हिस्सों में क्लिनिक खोले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये टॉपिक लगातार ट्रेंड में भी बना हुआ है, लेकिन ये अपील हो क्यों रही है? दरअसल पिछले 6 दशक में पहली बार साल 2022 में चीन की आबादी में गिरावट देखी गई। इसी की भरपाई का जिम्मा सरकार युवाओं को सौंप रही है। उनका मानना है कि लो फर्टिलिटी रेट से लड़ने में ये टेक्निक कारगर होगी। स्पर्म डोनेशन के लिए युवा मोटिवेट हो, इसी इरादे से उन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं। अब समझते हैं पूरा प्रोसेस। साउथ वेस्ट चीन में मौजूद यूनान ह्यूमन स्पर्म बैंक ने पहली बार स्टूडेंट से अपील की। 2 फरवरी को हुई इस अनाउंसमेंट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और सब्सिडी का जिक्र किया गया। हालांकि अलग अलग बैंक की रिक्वायरमेंट भी अलग है। जैसे यूनान स्पर्म बैंक के लिए डोनर की एज 20 साल से 40 साल के बीच, हाइट 165 सेंटीमीटर और किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही डोनर के पास डिग्री होना जरूरी है। वही डोनर को प्रोसेस पूरा होने के बाद 54,000 रुपए मिलेंगे। शेंजी स्पर्म बैंक में डोनर की हाइट 168 सेंटीमीटर और सब्सिडी में लगभग 60,000 रुपए मिलेंगे। संघाई के स्पर्म बैंक में सब्सिडी सबसे ज्यादा है। यहाँ डोनर को लगभग 81,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन कई शर्तों पर, जैसे डोनर गंजा नहीं होना चाहिए, सिगरेट शराब भी ना पीता हो, ना ही किसी बीमारी का शिकार हो। स्पर्म डोनेट करने का पहला मामला साल 1884 में फिलाडेल्फिया में देखने को मिला था। बाकी समय के साथ IVF और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी ने भी लोगों के जीवन में कई बदलाव किए। तो ये थी कहानी चीन में हो रहे स्पर्म डोनेशन की। आज जानना जरूरी है, मैं इतना ही, कल फिर